छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र के हिरोली जाने के रास्ते में नक्सलियों द्वारा लगाई गई दो कमांड आईईडी बीडीएस टीम ने बरामद कर बड़े खतरे को टाल दिया। बता दें कि सुरक्षा बलों को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हिरोली क्षेत्र में जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से गाँव की दक्षिण दिशा में नक्सलियों द्वारा आईईडी लगाया गया। वहीं सूचना मिलते ही डीआरजी थाना किरंदुल, सीएएफ और पीडीएस के संयुक्त बल को कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके बर्मन ने बताया कि सघन तलाशी के दौरान ग्राम हिरोली के दक्षिण दिशा में 3 आईईडी बम, लगभग 3 किलो और 5 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए गए, जिसमें से 1 आईईडी को मौके पर डिस्पोज किया गया और नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नेस्त नाबूद किया गया। दंतेवाड़ा से संवाददाता चंद्रकांत सिंह क्षत्रिय की रिपोर्ट। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि हिरोली कैंप के आसपास में नक्सलियों द्वारा फोर्स नुकसान करने की आईडी लगाई गई थी। इस सूचना की तस्दीक के लिए डीआईजी दंतेवाड़ा, सीएफ हिरोली और केंद्रीय पुलिस के साथ गश्त पर रवाना हुई थी, जिसमें डिमांडिंग के दौरान 3 आईडी बरामद हुई, जिसमें 2 5 किलो था, 1 3 किलो का था। इसमें से 1 3 किलो का वहीं पर डिफ्यूज किया गया, बाकी 2 आईडी जब्ती की गई।